क्यों मारा हमारी माँ को? बेटे अब सुप्रिया भाभी आपकी माँ बहुत होशियार थी, उनकी नजरों से छुपा नहीं था साहब जी का चरित्र। संस्कार सेना की आड़ में उनकी काली करतूतें बढ़ने लगी थी। साहब जी की, साहब जी की, साहब जी की, साहब जी की। अभी उत्पात मचाए हो तो सजा तो मिलेगी ना। साहब जी है, साहब जी है। और अगर कहीं मर मरा गया तो उठाकर कानपुर की गंगा मैया में विसर्जित कर देना इसे। आपकी माँ के लिए संस्कार सेना उनके पिता की विरासत थी। उनकी नजर में संस्कार सेना लोगों की सेवा के लिए बनी थी, न कि राजनीतिक गठजोड़ के लिए। और साहब जी के हाथ में बाग दौड़ाते ही सेना का चेहरा बदलने लगा। आपकी मां सब देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने साहब जी को समझाने की कोशिश की, फिर उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे जानती क्या हो तुम राजनीति के बारे में? आपसे ज्यादा बचपन से देखा है मैंने बाबा को समाज के लिए उनके साथ हमेशा खड़े हुए। संस्कारी सेना समाज की सेवा के लिए है, आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं। अगर यही सब चलता रहा तो आप मुझे अपने खिलाफ खड़ा पाएंगे। तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी? हाँ। तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी? संस्कारी सेना हमने बनाई है, हमने बनाई है। बाबा को जानते थे हम उनके पद चरणों पे चलते आ रहे। अगर आप नहीं सुधरे तो तुम्हें जो करना है कर लो, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ठीक, तो आज से आप मुझे अपना दुश्मन ही समझिए। अरे तुम क्या दुश्मनी करोगी हमसे? हम तुमसे कह रहे हैं हम तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देंगे, समझी? साहब जी को लगने लगा था कि वो उनके रास्ते का कांटा बनती जा रही है, इसलिए उन्होंने उस रात सर्किट हाउस में